पहुंचने वाली है और तमाम जो लोग हैं मसीही समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और अब तमाम देखेंगे कि अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम यात्रा के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। किस रूप में आज के दिन को देख रहे हैं आप लोग? अच्छा, हाँ फादर, इस जुलूस में हम लोग सभी कैथोलिक कलीसिया के सभी सदस्य शोकाकुल हैं, क्योंकि हमारे कार्डिनल तेलेस्पर पीटोपो शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उसी को कृतज्ञ दिखाने के लिए और सम्मान दिखाने के लिए हम सभी विश्वासी यहाँ पर एकत्र हुए हैं और हम गर्व भी महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे कार्डिनल पहले आदिवासी कार्डिनल रहे हैं और इन्होंने छोटा नागपुर कलीसिया के लिए बहुत ही योगदान दिया है, सिर्फ ख्रिस्तियों के लिए नहीं लेकिन सभी भाई बहनों को जो दूसरे धर्म मानते हैं उनके बीच में भी एक भाईचारा और एकता और प्रेम को फैलाने के लिए वो प्रयत्नशील थे और यही योगदान जो है हम सबों का छोटा नागपुर चर्च के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम लोग मांडर से देखते हुए आ रहे हैं शव यात्रा को, जो लिविंस हॉस्पिटल है वहाँ भी गए थे, बड़ा लोगों का एक लगाव है, जुड़ाव है, क्या लगता है उनके जाने का कितना नुकसान, कितनी क्षतिपूर्ति है? अभी हम लोग फिलहाल में महसूस तो करते हैं कि उनकी शारीरिक उपस्थिति अनुपस्थिति जो थी हमारे चर्च के लिए बहुत ही बड़ा योगदान था और निश्चित रूप से ये हमारे पहला बिशप जो कार्डिनल बने आदिवासी में से, और हम लोग देखेंगे कि उनके जाने से छोटा नागपुर चर्च जो है थोड़ा सा खो तो रहा है और किस तरह से हम लोग फिर से हम लोग इस तरह से एक भावी और कर्मठ बिशप हम लोग लेकर के आने सकेंगे अथवा नहीं, एक वही हम लोग चिंता में हैं कि एक बहुत ही बड़ा कर्मठ और विश्वासी जो बिशप कार्डिनल तेलेस्पी पीटोपो रहे हैं उनको हम लोग खो करके हम लोगों को थोड़ा सा शोकाकुल हैं। आप देखेंगे तमाम जो हैं विश्वासी समाज के जो लोग हैं वहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए हुए हैं, चूँकि बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है लिहाजा धूप में ही, और इसके धूप में महिलाएं बुजुर्ग जो शव यात्रा है वो आप पहुंचने भी वाली है और तमाम जो लोग हैं कार्डिनल की तस्वीर के साथ, कब से वेट कर रहे हैं आप? हम लोग एक घंटा हो रहा है सर जी। आप कार्डिनल की तस्वीर भी लेकर के हैं, किस रूप में भूमिका निभाई है इन्होंने? गरीबों के लिए काम की आवाज उठाई है और विशेषकर हम कैथोलिकों के लिए ये बहुत ही उम्दा काम किए हैं और आज जब हमारे बीच नहीं है तो हम उनके दिवंगत आत्मा के लिए, शांति के लिए हम प्रार्थना के रूप में, एक एकता के रूप में हम लोग आदिवासी समुदाय से आते थे और उनके बीच बड़ा लगाव था, बहुत लोग जो हैं उनको जुड़ाव महसूस करते हैं, उनके जाने का कितना नुकसान देखते हैं? निश्चित रूप से उसकी जो क्षति हुई है हमारे समाज को वो अपूर्णीय है, जिसको हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे और वे ही पहले आदिवासी थे जिन्होंने कार्डिनल बने थे और इसलिए तब यह हमारे लिए बहुत ही क्षति है, लेकिन हम उनके कामों को, उनके कार्यों की सराहना करते हैं और हम यही दुआ करते हैं कि वो ईश्वर के राज्य में शांतिपूर्वक निवास करेंगे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आज के दिन हम लोग के लिए बहुत दुखी का दिन है और हम लोग तहे दिल से उसको श्रद्धांजलि कर रहे हैं। कई घंटों से जो लोग हैं वो पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के जरिए लोग जो हैं कतारबद्ध होकर कई मीटर की दूरी तक देखेंगे, तमाम जो लोग सिर्फ लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है, तमाम लोग जो हैं बच्चों के साथ। दीदी लगता है थक गई हैं आप, कैसे याद कर रही थी? कैसे याद नहीं करेंगे, हम लोग के मतलब क्या बोलेंगे, धर्म गुरु थे ना, हाँ इसीलिए हम लोग याद कर रहे हैं और उसी के यादगारी में इतना धूप में भी हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, एक दर्शन उनका मतलब क्या बोलेंगे, दर्शन पाने के लिए, हाँ अंतिम दर्शन पाने के लिए हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। हाँ वहाँ जाएंगे क्या कल भी अंतिम दर्शन के लिए मौका मिलेगा? कोशिश करेंगे, हाँ कोशिश करेंगे। और बहुत सारे लोग जितना देर भी बोला जाए तो तैयार है। हाँ बस बात बताइए, कभी मुलाकात हुई? नहीं, नहीं, हमारा तो कंफर्मेशन उन्हीं के हाथों से हुआ है, इसीलिए हम लोग तो बहुत मिस भी कर रहे हैं और खैर हमारे साथ तो वो रहेंगे ही रहेंगे, उनकी दी हुई शिक्षा हमारे साथ रहेंगी। धन्यवाद। बच्चों को क्या बताना चाहेंगे, छोटे छोटे बच्चे चूँकि वो देख नहीं पाए उनको उनके बीच रहे? ये अभी तो केवल अभी हम लोग अभी केवल फोटो में याद करेंगे, लेकिन उनकी बहुत सारी बातें, वो जो हमेशा एक वाक्य कहा करते थे, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो उस बात को लेके हम लोग बच्चों को आगे शिक्षा देंगे।
आप तो बच्ची को लेकर भी आई हुई है, एक मैसेज देना, एक यादगार पल। हाँ, तब इनको भी पता चलेगा कि हमारे कम्युनिटी में कैसे हम लोग मिल के रहते हैं, अपने बड़ों को कैसे याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। उनके लिए भी याद की बात हो जाएगी, हम बचपन में थे, मम्मी के साथ थे। हाँ, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण दिन है, न सिर्फ मसीही समुदाय के लिए बल्कि तमाम लोगों के लिए और झारखंड के लिए। बड़ा निकल करके गुमला चैनपुर से निकल करके वैश्विक पटल सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बस अब चंद लम्हों के बाद आप देखेंगे जो कार्डिनल का पार्थिव शरीर है वो इसी दलादली चौक से होकर के कटहल मोड़ होते हुए राजधानी रांची। तो लगातार देखेंगे पुलिस की जो मौजूदगी है वहाँ पर, आप ताकि जो स्थिति है वो कंट्रोल में रहे और किसी तरह की कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। और तमाम जो वॉलंटियर्स हैं वो जानकारी दे रहे हैं हम कि किस तरह से उनको एक लाइन में रहना है, एक कतारबद्ध होकर खड़े रहना है ताकि किसी तरह की जो ट्रैफिक में किसी तरह की कोई विघ्न ना पड़े, कोई परेशानी ना हो। जाहिर सी बात है जब से मांडर से लिवेंस हॉस्पिटल से ये शव यात्रा चली है उसके बाद से लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं, जो जिनको जहां मौका लग रहा है वो वहां पर खड़े हैं और अंतिम दर्शन कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण इस विषय को लेकर के है कि इसके बाद फिर उनको ये शुभ अवसर पर आपदान में अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। आज मिल पाएंगे चूँकि शाम हो जाएगी और कल सुबह से ही एक अवसर प्राप्त होगा, लोगों को एक मौका लगेगा कि वो इस प्रोसेसन के साथ ही इस कार्डिनल के अंतिम विदाई में वो अपने आप को शामिल कर सकें। तो लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये दलादली चौक रांची की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से आपको अंदाज़ा होगा। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? बनहोरा से। बनहोरा से, हाँ। किस तरह याद करते हैं आज के दिन को, किस रूप में आपको? हाँ, ये तो ऐसा दिन है कि हम लोग को अपने महामहिम का याद में, उसका श्रद्धांजलि के रूप में याद करते हैं। उनके जाने का कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो बहुत हुआ, मतलब ये खाली भारत के नहीं पूरा विदेश के एक बड़े आदमी थे। उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। तो आप देख पा सुन पा रहे हैं जो आवाज़ बीच बीच में सायरन की जो आवाज़ आ रही है वो आवाज़ उसी एम्बुलेंस की है, उसी काफिले की है जहाँ जिस पर पार्थिव शरीर जो है वो रखा गया है। और तमाम जो लोग हैं देखिए सड़कों पर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक झलक पाने के लिए, एक मात्र झलक के लिए, एक अंतिम दर्शन के लिए। आप देखेंगे यहाँ से लेकर के अभी इस तरफ पूरा देखें, पूरा चौक से लेकर के आगे का जो रास्ता है वो पूरा कहीं ना कहीं भरा हुआ आपको नज़र आएगा। और लगातार हम तस्वीरों के माध्यम से इन चीज़ों को दिखा रहे हैं, ना सिर्फ दलादली चौक की तस्वीरें दिखा रहे हैं बल्कि मांडर की तस्वीरें दिखाई, बरामबे की तस्वीरें, चानहों की तस्वीरें, तमाम तस्वीरों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से जो लोग हैं वो कार्डिनल के अंतिम संस्कार में या यूँ कहें अंतिम फ्यूनरल प्रोसेसन में शामिल हो रहे हैं। और क्योंकि फ्यूनरल प्रोसेसन में इतनी भीड़ हो गई है कि काफिला स्लो हो गया है और यही वजह श्रृंखला एक तरह से बनाई गई है, एक गैप ना रहे और तमाम जो लोग हैं उसमें शामिल हो सकें। और अब दूर से आपको एक गाड़ियों का एक काफिला नज़र आ रहा होगा और जो सायरन की आवाज़ है वो आवाज़ बता रही है कि बस पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन का जो वक्त है वो आ गया है। और तमाम जो लोग हैं आप देखेंगे कि बस अपने हाथ में फूल हो वो लेकर आए हुए हैं ताकि उनका आशीर्वाद मिल सके और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा सके। तो जाहिर सी बात है इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाएँ, लेकिन फ़िलहाल इन तस्वीरों से आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से जो है आप देखेंगे लोग दोनों छोर में आ रहे हैं ताकि जब बीच से जब काफिला गुजरे तो दोनों छोर से दर्शन हो सके, दोनों छोर से आप अंतिम विदाई दे सकें। और गुमला में तो बहुत बड़ी संख्या में लोग जुटे थे और जिस तरह वहाँ के लोगों से बातचीत हुई है वो बताता है कि किस तरह का एक्सेप्टेंस और किस तरह से उनका मेल मिलाप रहा है और किस तरह से वो लोगों से मिलते जुलते थे। और ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दोनों छोर में जो देखेंगे जो लोग हैं जो कार्डिनल को अंतिम दर्शन के लिए पहुँचे हुए हैं और उनके साथ वॉलंटियर्स का एक बड़ा लंबा काफिला है ताकि जो प्रोसेसन है वो बिल्कुल कॉर्डियल माहौल में संपन्न हो। और लगातार जो है मांडर से ये चल करके ये सफ़र जो है वो रांची पहुंच चुका है और
यहाँ के बाद कटहल मोड़, कटहल मोड़ के बाद अरगोड़ा चौक, वहाँ से सुजाता चौक, उसके बाद फिर अल्बर्ट एक्का चौक और फिर वहाँ से संत मैरी गिरजाघर पहुँचाया जाएगा जहाँ पर लोग अंतिम दर्शन कर सकेंगे। फिर लास्टेश्वर की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है एक लंबा एक शेड्यूल तय किया गया है, एक लंबा शेड्यूल है जिसके माध्यम से इस तमाम चीज़ों को संपन्न कराया जा रहा है और कोशिश ये है कि उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही तमाम चीज़ें हों। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। और ये देखिए कि कॉलेज की जो छात्राएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पहुंची हुई हैं और तमाम लोग चाहती हैं कि इस दिन को ख़ास तौर पर अपने मोबाइल फ़ोन में, अपनी यादों में संजो कर रखें ताकि जब वक्त गुजरे तो इन चीज़ों को वो एक बार पलट कर देख सकें, अपने बच्चों को दिखा सकें, अपने बच्चों को बता सकें कि किस तरह से आदिवासी समुदाय से उठ करके गुमला के चैनपुर से निकल करके आर्च बिशप कार्डिनल तिलस्फोर पी टोप्पो ने पूरी दुनिया में अपने नाम नमूद, अपनी शोहरत को कायम किया। जाहिर सी बात है वॉलंटियर्स बता रहे हैं कि किस तरह से लाइन को लाइन के कंट्रोल में रखें, मतलब जो एक लाइन है उस श्रृंखलाबद्ध होकर चलें ताकि इसी तरह से कोई परेशानी ना हो। और ये तमाम जो वॉलंटियर्स हैं जो गाड़ियों के साथ जो काफिले के साथ आए हैं, मांडर से चलकर यहाँ तक पहुँचे हुए हैं और तमाम जो लोग हैं वो आगे जा रहे हैं और पीछे में जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिस गाड़ी में पार्थिव शरीर रखा गया है उस गाड़ी को सबसे लास्ट में आप देख पा रहे होंगे, उसके सामने जो है वो वॉलंटियर्स हैं और तमाम जो लोग हैं जो मांडर से चल कर आए हैं वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और तमाम जो वॉलंटियर्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रोसेसन को मेनटेन करके चल रहे हैं और अभी तक कहीं पर विघ्न नहीं पड़ी है। ये बताता है कि किस तरह से जो तमाम चीज़ें हैं वो अंडर कंट्रोल हैं और तमाम जो धर्म के लोग हैं, तमाम जो धर्म गुरु हैं वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि उनके जाने का किस कदर नुकसान है, जिसकी जो भरपाई है वो नामुमकिन है, अपूर्णीय क्षति है। और ख़ास करके वहाँ के जो लोकल्स थे, जो झारखंड के लोग थे, आदिवासी और मूलवासी समाज के जो लोग थे, इवन दूसरे धर्मों के लोग थे उनसे जिनका मिलना जुलना रहता था और तमाम जो भाईचारे को लेकर के एक ह्यूमनिटी को लेकर के जिस तरह की वो बातें करते थे उस चीज़ को कहीं ना कहीं आप देखेंगे। वो दलादली चौक में जो है वो पार्थिव शरीर जो अंतिम यात्रा है, फाइनल जो रिचुअल्स के लिए जो शव यात्रा है वो यहाँ पर पहुँच गई है और हम वो तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं। इस तरह से जो शव यात्रा है वो दलादली चौक पहुँच गई है और बड़ी संख्या में लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं फूल दे करके उसको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तमाम के हाथों में फूल है और इसके माध्यम से वो अपनी खराज अकीदत को पेश कर रहे हैं। मांडर से चलकर जिस तरह से ये फ्यूनरल प्रोसेसन रांची पहुंचा है अभी तक तो सब कुछ स्मूथ रहा है और जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस हो, पुलिस प्रशासन ने जो तैयारियां की हैं, तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत ही स्मूथ तरीके से चल रही हैं और तमाम जो लोग हैं आज के दिन को ख़ास तौर पर अपने मोबाइल फ़ोन में, अपने स्मार्टफोन में संजो कर रख रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में उसे याद कर सकें और ये अपने बच्चों को बता सकें, आने वाली पीढ़ियों को बता सकें किस तरह से उनके बीच एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी वजह से भारत का, झारखंड का पूरे दुनिया में नाम रहा है। और पूरा जो दलादली चौक है पीछे भी हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि सिर्फ आपको दिखाएंगे, सिर्फ जो प्रोसेसन में जो लोग शामिल हैं तमाम लोगों से पूरा जो ये दलादली चौक है वो भरा हुआ है और ये तस्वीर बता रही है कि किस तरह से मांडर से लेकर रांची तक उनके चाहने वालों की बेशुमार तादाद है, ला तादाद है और ये तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है और जिस तरह से उनकी ख्याति रही है, जिस तरह से उनकी और तमाम लोग जो यहाँ पर धर्मगुरु थे तमाम लोगों ने उनको राज अकीदत पेश किया है, अंतिम दर्शन किया है और तमाम जो लोग हैं देखे तमाम जो लोग हैं आप देख रहेंगे मेरे सामने में बिल्कुल पार्थिव शरीर है कार्डिनल के अंतिम दर्शन के लिए। तमाम जो लोग हैं वो उमड़ गए हैं और तमाम लोग हैं जो बीजेपी के विधायक हैं मनीष जायसवाल वो भी पहुंचे हुए हैं और ये देखिए किस तरह से
जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और मनीष जायसवाल हैं, बीजेपी के विधायक हैं। बांडर से चलकर ये यात्रा आई, बहुत लोग जुटे, क्या कैसे याद कर रहे हैं आप? देखिए कार्डिनल साहब समाज के लिए हमेशा खड़े रहते थे और इनका लगाव झारखंड और इस क्षेत्र से बहुत था और मेरा व्यक्तिगत भी उनसे बहुत पुराना संबंध था। आज हम लोगों के बीच नहीं है और उनकी आज श्रद्धा सुमन हम लोग अर्पित करने के लिए दलादिली चौक में सारे लोग यहाँ हम लोग पहुँचे हैं, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जाहिर सी बात है कार्डिनल का जो व्यवहार था उससे राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, सियासी हो, गैर सियासी हो, तमाम लोगों का उनका जुड़ाव था। ये भीड़ देखिए दलादिली चौक की, ये भीड़ देखकर आपको अंदाज़ा होगी कि किस तरह से लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ जुटे हैं, बच्चों के साथ पहुँचे हुए हैं और तमाम जो हैं छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो वॉलंटियर्स है, जो काफिला है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है, लगातार वो उनके आने का सिलसिला जारी है और यहाँ से ये जो शव यात्रा है आप देखेंगे वो जो यहाँ से प्रस्थान कर गई है, यहाँ से निकल गई है। अब पूरा ये जो कटहल मोड़ का जो इलाका है वो पूरा बिल्कुल अब सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है और कटहल मोड़ होते हुए अरगोड़ा चौक पहुँचेगी और जाहिर सी बात है ये जो तस्वीर है बिल्कुल अविस्मरणीय है और ऐतिहासिक तस्वीर होगी। हम भी बाद में याद करेंगे किस तरह से कार्डिनल के फ्यूनरल प्रोसेशन में हम भी शामिल हुए और उन तस्वीरों के हम भी गवाह बन रहे हैं कि आज का ये ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि झारखंड के लिहाज से, पूरे विश्व के लिहाज से आज कहीं ना कहीं एक अपूर्णीय क्षति हुई है जिसकी भरपाई नामुमकिन है। हमारी कोशिश ये है कि आगे की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएं, लेकिन मांडर के लिविंस हॉस्पिटल से लेकर के रांची के दलादली चौक तक तमाम तस्वीरों को हमने दिखाया, सीधी तस्वीरें दिखाई, लाइव तस्वीरें दिखाई, शायद आपको दूसरी जगह पर इस तरह की तस्वीरें मैसर हो, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम संत मैरी गिरजाघर की भी तस्वीर दिखाएँ, वहाँ की फ्यूनरल प्रोसेशन जो पहुँचती है वो तस्वीर दिखाएँ, लास्ट रिचुअल की तस्वीरें दिखाएँ, तमाम चीज़ों को आप देखिए और समझिए कि आर्च बिशप कार्डिनल क्रिस्पोर पीटोपो का निधन हम सब के लिए कितनी बड़ी क्षति है और पूरी मानवता के लिए कितना बड़ा नुकसान है। कैमरामैन विकास के साथ रांची के दलादली चौक से शहनवाज। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन।